नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश। आज जो विषय है वो काफ़ी गंभीर है और काफ़ी लोगों को मदद भी करेगा। ये एक तंत्र है, या बोल सकते हैं ये एक टोटका है। बहुत कंपटीशन होने के कारण, बहुत सारे तांत्रिकों के भी बीच कंपटीशन होने के कारण भी व्यापारियों को बिना कुछ सोचे समझे भी तंत्र का शिकार होना पड़ रहा है। इससे होता ऐसा है कि जो अच्छा खासा दुकान चल रहा हो वो दुकान भी बंद हो जाता है, या रुक जाता है, या उसका सेल बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो ऐसे व्यापारियों के लिए तंत्र में उपाय है जो कि आप खुद से कर सकते हैं, और सिर्फ एक सप्ताह में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यापार में या फिर आपके दुकान के सामने किसी ने, या आपके फैक्ट्री में किसी ने स्तंभन कर दिया है। स्तंभन का मतलब होता है कि आप जहाँ पर हो उससे आगे बढ़ ही ना सको। जितना आपका बैंक बैलेंस है, जितना आपका वर्क ऑर्डर है, जितना आपका कस्टमर है, उससे आप आगे बढ़ ही ना पाओ, वैसे व्यवस्था को स्तंभन कहते हैं। एक और व्यवस्था होती है बंधन, मतलब इसमें आप नेगेटिव में जाने लगते हो। तो तंत्र में हर तरह के लोग होते हैं, किसी को फ़ायदा पहुँचेगा तो किसी न किसी का तो घाटा होता है। तो जिसको फ़ायदा पहुँचाओ उसके लिए तंत्र वाइट मैजिक, जिसको घाटा पहुँचाओ उसके लिए ये ब्लैक मैजिक हो जाता है। ठीक है, तो भैरव बाबा की कृपा से अगर आपके व्यापार पे ऐसा कोई भी स्तंभन किया गया हो, ऐसा कोई भी बंधन किया गया हो, तो उसको बहुत ही सरलता से आप हटा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सामग्री आपको लगेगी, जैसे गुलाल, ठीक है, गोरोचन। अच्छा, गोरोचन पूजा दुकान से ना खरीदें। गोरोचन कोई तांत्रिक से आपका परिचय है या किसी आश्रम को आप जानते हैं तो वहाँ से गोरोचन कर दें। गोरोचन कोई 100-200 रुपए में मिलने वाली चीज़ नहीं है। एक ग्राम का कीमत कम से कम 4000 रुपए जाना चाहिए। अगर इस रेट का आप गोरोचन खरीद रहे हो तो समझो कि आपने सही गोरोचन ख़रीदा है। उसके बाद आपको चाहिए छार छबीला और कपूर, वो बड़ा वाला काचरी जो होता है। एक रुद्राक्ष का माला ले लीजिए, क्योंकि जाप आपको करना होगा और सबसे सटीक तंत्र में रुद्राक्ष का माला ही होता है। करमाला से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तंत्र को करने का सबसे अच्छा बात यह है, क्योंकि ये गृहस्थों के लिए या व्यापारियों के लिए बना है, तो इसमें दिन या रात का कोई भी समय सीमा नहीं है। इसमें इसको आप किसी भी समय पूरे दिन में जब आपको समय मिले तब कर सकते हैं। किसी भी आसन पर बैठ के कर सकते हैं, आप जो भी पूजा का आसन प्रयोग करते हैं उस पर कर सकते हैं, किसी भी दिशा में कर सकते हैं। और मात्र आपको 21 बार इसको जापना है। जो मंत्र अभी आपको मैं देने वाला हूँ भैरव बाबा का, इसको 21 बार आप जापिएगा 5 दिन तक, ठीक है। उस मंत्र को जापने के बाद ये जो चार चीज़ें हैं, ये जो चार सामग्री मैंने आपको बताया, इसको आपको चारों को बराबर में मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको पीस लेना है, ठीक है। और ये जो पाउडर है, इस पाउडर को अपने दुकान, व्यापार के क्षेत्र या फैक्ट्री के चारों तरफ घूम घूम करके और 21 बार पढ़ के छींट देना है। मतलब जिस तरीके से आप बंधन करते हैं उसी तरीके से गुलाल, गोरोचन, छार छबीला और कपूर का मिक्सचर को आप इस मंत्र को जापते हुए चारों तरफ छींट देंगे। तो जब ये भैरव बाबा का मंत्र पढ़ के आप इसको छींटेंगे तो आपके व्यापार पे किसी भी तरीके, देखिए भैरव बाबा से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तंत्र मार्ग में भैरव बाबा से ऊपर कुछ नहीं है। आप पे जो भी प्रयोग हुआ हो, जैसा भी प्रयोग हुआ हो, वो इनके चेलों का ही प्रयोग होगा। मतलब किसी ने इनके किसी चेले को सिद्ध करके रखा होगा, उससे आपके व्यापार पे बंधन किया होगा। लेकिन अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका वो बंधन 5 दिन में खुल जाएगा और 6ठे दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। तो मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है, ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्वशत्रु संहारिणी कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ते हुए अपने व्यापार क्षेत्र के बाउंड्री पे घूमना है, और मतलब बाउंड्री पे घूमना, तो बाउंड्री पे चढ़ के नहीं घूमना है, मतलब चारों तरफ आप घूमिएगा। और ये जो गुलाल, गोरोचन, छार छबीला और कपूर है, इसका मिक्सचर को गिराते जाइएगा। मतलब एक तरीके से आप एक नया
बाउंड्री तैयार कीजिएगा। इसको जैसे ही आप तैयार कर लीजिएगा, आपके ऊपर लगा हुआ किसी भी तांत्रिक किसी भी अघोरी का व्यापार बंधन खुल जाएगा और आप फिर से पुराने तरीके से बिजनेस कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको किसी और वीडियो में, व्यापार में अगर बाधा आ रही हो, बहुत लोग व्यापार चलता चलता उसमें बाधा आ जाता है, तो उस बाधा को कैसे रोकें, लोग आपके प्रति आकर्षित हों व्यापार में, उसके लिए क्या करें, गणेश को कैसे खुश करें। हाँ, गणेश की साधना जैसे आप भैरव की कर रहे हैं, वैसे गणेश की साधना से भी ये बाधाएं दूर होती हैं और बहुत मंगल होता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे। व्यापार से अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है, व्यापार में अगर कुछ परेशानी आपको आ रही है, तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसको डाउनलोड करके रुद्रनाथ सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन ना करें। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9431188585। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत इमरजेंसी हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं तुरंत जवाब दूंगा। आप सभी को अलग आदेश।